हेलो फ्रेंड्स, इंडियन विलेज ट्रैवलिंग देसी में आपका स्वागत है। आज देखेंगे लाडोसराय। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले गांवों की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए चलते हैं लाडोसराय गांव के अंदर। लाडोसराय दोस्तों एक शहरीकृत गांव है जो दिल्ली के दक्षिण में बसा हुआ है। लाडोसराय गांव मेहरौली बदरपुर रोड पर बसा हुआ है। लाडोसराय गांव में लगभग 700 घर हैं और ज़्यादातर जाटों के घर हैं। लाडोसराय गांव लगभग 850 साल पुराना है। यहाँ के कुछ लोगों का मानना है कि 12वीं शताब्दी में हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान ने लाडो नाम की एक लड़की को कहा कि तुम जहाँ तक घूमोगी उसको हम सराय बना देंगे, और उस लड़की ने जितनी दूरी तक परिक्रमा की उसको पृथ्वीराज चौहान ने लाडो नाम से सराय बना दिया, जिसने बाद में लाडोसराय गांव का रूप ले लिया। और कुछ लोगों का मानना यह भी है कि उनके वंशज लाड सिंह थे, जो के कन्नौज के राजा जयचंद की फौज में थे। उन्होंने अपने 4 बेटों के साथ इस गांव की नींव पृथ्वीराज चौहान को परास्त करने के बाद रखी थी। गांव के स्थानीय निवासी एक बात जरूर कहते हैं, हमारे पूर्वजों ने मुस्लिम आक्रांताओं के हर जुल्म को झेला है, लेकिन अपनी संस्कृति और अपने धर्म के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। अगर हम सामाजिक संस्कृति की बात करें, बुनियादी तौर पर यह गांव एक आदर्श स्थिति पेश करता है। इस जाट बहुल गांव में अनुसूचित जाति 20-25% है, लेकिन कभी भी कोई सामाजिक तनाव का उदाहरण नहीं आता है। उसकी बड़ी वजह है कि इस गांव के जाटों ने कभी भी जाति आधारित सामाजिक बंटवारा को आधार नहीं माना और किसी ने किसी का हिस्सा नहीं खाया। यहां हर जाति का अपना पंचायत घर है और इस तरह से कुल 8 पंचायत घर हैं। आज भी शादी में दहेज के नाम पर 1 रुपये का सिक्का चढ़ाने का रिवाज चला आ रहा है। 1982 में खेती की जमीन अधिग्रहण होने के कारण बाद में जीवन जीने के साधन पर एक मुश्किल का दौर जरूर आया, लेकिन 1990 के बाद गांव के लोगों ने कमेटीवादी बैंकिंग व्यवस्था के सहारे नए नए मकान बनाकर कमरे किराए पर देने लगे, और आज किराए की कमाई इनके जीवन व्यापन का मुख्य जरिया बन गई। यहाँ की तंग गलियाँ ऐसी हैं कि अगर गलती से कहीं आग लग जाए तो गांव के आसपास फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी खड़ी नहीं हो सकती है। लाडोसराय के नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है कुतुब मीनार और साकेत। दोस्तों ये आप देख रहे हैं लाडोसराय। दोस्तों लाडोसराय वैसे तो एक गांव है, लेकिन इसने शहरी रूप ले लिया है, इसलिए यह एक शहरीकृत गांव है। ये जो जानकारी हमने आपको दी है ये हमने गूगल से प्राप्त की है। दोस्तों देखते रहिए लाडोसराय गांव के कुछ दृश्य।
वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।